ਸਮਰਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੰਨਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੈਂਕੜੋ ਵਾਹਨ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। हाँ जी, स्कूल मूहरे जाम लगाया की करना जी? स्कूल मूहरे जी साडा करोना काल वे लड़ाई चलती है स्कूल के नाल, लड़ाई कह लो या गलबात कह लो। असी पहले भी 4 महीने संघर्ष करके ना एक कमेटी बन गई थी, डीओ दफ्तर तक असी रिपोर्ट करती सी। उतों एक उन्होंने ड्यूटी लाती सी प्रिंसीपल गुरजंट सिंह कटाला स्कूल तो, उन्होंने इनकुआरी की है ना, बह के टेबल टॉक हुई स्कूल नाल भी हुई, होर स्कूल से 3 स्कूल से MAM सेगा, एक ननकाणा साहब से, एक स्कूल से जोड़ा MAM स्कूल है। उन्होंने पर फीस के 1000 रुपया घट करना मान लिया, करता उन्होंने घट। ये स्कूल ने भी विश्वास दवाया कि जो अदर चार्ज असं वो नहीं लवेंगे, वो तो बिना जी दूजी फीस है वो लवेंगे, जूजे लोड ऑफलाइन क्लासा लगिया ने जिन्ना खर्चा बनता सगा, क्योंकि उस टाइम इन्हें टीचरों भी फीसा दी दी तनखा, होर कोई खर्चा नहीं सू, ना पखे चलते थे, ना कोई इतने PN माली आ रहे थे, सारा स्कूल बंद स। पर भी ये हम अदर चार्ज मंग रहे हैं 1450 रुपया, व्डिया क्लासा का इन्ना है, छोटिया उदू घट होगा। असी साड़ी यही मंग है भी जो अदर चार्ज है वो ना लिया जाए, बाकी फीस देने अं तैयार हाँ। इस करके मापियां का 4 महीने की संघर्ष हूँ भी नहीं, असं कहते हूँ भी असं देवे जो स्कूल लगे ने, यह जी करोना काल दी फीसा खड़िया ने वो रहनिया है, वो फीसा वाले जोड़े मापे इतने उठे हुए हुए हैं। अज जब इतने आए एक मीटिंग के बहाने इन्होंने बुला लिया, जब उत्तर उन्होंने जाके अपने रिपोर्ट कार्ड मंगे मापिया ने, वो कहते रिपोर्ट कार्ड तो मिलू पहला जाके तुम खिड़की से फीस जमा कराओ आपकी। जब असी देखे वो फीस के पे अदर चार्ज फिर जुड़े हुए थे, इस करके सारे मापिया ने मौके पर फैसला लैके अजय रोड बंद कर। अज असी चाहते हैं भी अज प्रिंसीपल साहब ज इन्हों की जी होर भी कमेटी हैगी आ, जोड़े अदर चार्ज तो बिना फीस भरा तो मापियां इंसाफ देन, साडे रिपोर्ट कार्ड ने वो देन, बच्चों के कल पढ़ाई से उन्होंने कोई बुरा असर ना पवे, क्योंकि कल बच्चे के मन के भी आता भी साढ़े मापे पता नहीं साड़ी फीस नहीं भर रहे, भी पता नहीं की कारण है, सानू पढ़ाना नहीं चाहते, जो इन्हों को पैसे नहीं है। असं इंसाफ चाहते हैं, ऐसी कोई गल नहीं हैगी, जेडे पहला भर भी चुके अभी तक ने उन्होंने भी घट होनी चाहिए। धन्यवाद। मनदीप सिंह जी, मनदीप सिंह जी की करना जाम किया? ये जाम जी असी कोई मतलब वो नहीं कर रहे हैं, साडा स्कूल के नाल गल चलती सी फीस रिगार्डिंग, जिहड़ा मतलब जो लॉकडाउन के दौरान पंजाब गवर्नमेंट ने भी कहा सीगा भी कोई स्कूल वाधू चार्ज नहीं लूगा, ट्यूशन फीस लूगा, वो रिगार्डिंग असी इन्होंने मतलब जो स्कूल खुलन लगे ने तो नाल दी नाले स्लिप्स देती हैं, वो अदर चार्ज मैनशन करे हुए थे। असी इन्हों कहा, इन्होंने 5 मैंबरी कमेटी ने साडे नाल गल करी भी असी जी बैठ के गल कर लें, सानू टाइम दे दो। जिहड़ा इन्हां दा फादर हैगा मेन हैड आ, वो कहिंदा भी सानू तां टाइम दे दो, तो 2 बार टाइम लिया, 2 बार टाइम लैण तो बाद इन्होंने सानू शरेआम कहता जी असी फीस लवेंगे, भी तुसीं अपना DO कोल अप्रोच कर लो। असी DO कोल गए, DO नूं रिपोर्ट दित्ती, रिपोर्ट इन्होंने लई इनकुआरी अफसर लाया गुरजंट सिंह जी, कोटला अपने कटाला स्कूल का प्रिंसीपल सीगे, उन्होंने रिपोर्ट के भी स्पैशली लिखिया भी ये स्कूल फीस नजायज़ वाधू चार्ज लै रहे, नहीं लैने बनते। तो DO ने फिर ये कहा भी असी जी, मैं पहला तो DO सानू टरकाउंदा रहा भी मैं जी रिपोर्ट अज दिना कलू दिना, दोबारा उन्हें दोबारा इनकुआरी मारे करती, दोबारा इनकुआरी मारे करके रिपोर्ट दिती भी मैं जी कोई डिसाइड नहीं कर सकता इस बारे, वो तो बाद भी तुसी फीस रेगुलेटरी कमेटी का जिहड़ा चार्ज आ वो हैगा DC को, DC को अप्रोच करो। असी DC को एप्लीकेशन फाइल की हुई है, साड़ी मूव की हुई है, हाले तक वह कोई डिसीजन नहीं होया। ये मतलब धक्के इन्होंने अज सू बुला के कल बच्चों सारे कहा भी सारे बच्चों के पेरेंट्स आन, किसी ने घर नहीं रहना है, सारे बुला के अज जो तो क्लासा के गए पेरेंट्स गए ने तो इन्होंने सीधा कहता भी जेडे बच्चों की फीस जमा हैगी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिदी नहीं हैगी जाके अपना की कहते रिसैप्शन से जाके लै सकता। रिसैप्शन का मतलब यह भी सीधा इनडायरैक्ट वे ना कहा इन्होंने भी जाके अपनी फीस जमा कराओ तो देवे। फिर असी फिर DP गल करी सी भी तुम इन्होंने जो DO रिपोर्ट दी थी उस भी यह लिखा भी जी ये स्कूल के धरने लाने ने जी, अज तक तुम खुद मीडिया इस गल का गवाह है भी अज तक कदे धरना नहीं लगे, साडा जून का रौला चल रहा है स्कूल के नाल, जून तो लैके अज तक कदे कोई धरना नहीं लगे, अज असी फस्ट टाइम ला रहे हैं। स्कूल वाले कहते जी असी उन्होंने भी रिक्वेस्ट करिए भी तुम्हें फीस जमा करवानी है, करा असी यही नहीं कहते भी जमा नहीं करवानी, पर तुम रिपोर्ट कार्ड दिखा दो, दिखा के तुम्हें फीस जमा करा देंगे। असी कहते नहीं जी भी तुम जो करना कर लो,
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਡਾਇਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਯੈਲੋ ਪੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਆ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਪੇਜ ਦਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਯੈਲੋ ਪੇਜ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਰ ਚਾਰਜ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਅਦਰ ਚਾਰਜ ਕੱਢ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਟਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਅਦਰ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ। ਐਕਚੁਲੀ ਵਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਯੂ, these people, those who are there outside having such a dharna, they have already submitted their complaints to DO and then Mohali, and from there itself, like DO office, already we have got the concern letter that they are satisfied because we have given the reply and they are satisfied with that, and we got it in the e-portal. But these parents were not satisfied and they have again complaint given against the school to Mohali office, and from there again they sent somebody for inquiry and all that, and they asked us to submit our reply also. It was already sent, and there also they are satisfied and they didn't find anything wrong in our fee system or anything. So we are supposed to collect their fees, and the very few parents are there, 5-6 parents are there, and they are not satisfied with that, and they are making this dharna again and again, and most of the parents are already paid the fee and they are going on paying. So anybody from management, yes, goes to talk with parents who are already we met them three times here in the school, and we had a talk, and afterwards only all these complaints they given to the DO and Mohali, and there all the inquiry officer also came, they all are satisfied. So there is today, now management from anybody, any member, actually from today it's a parents teachers meet, and we have called the parents, and all the teachers are busy in their respective classes, and I have called some of the students of class 9th who are weak in their studies, and I was meeting them. So they were shouting there only, and the teachers have gone there and they met, and they said purposely they are making, so we are nothing. A huge crowd in front of school, block the road. It's their problem, what can we do? Because from outside the teachers have already gone, then they were talking, and if they are not understanding, can't say anything. यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।